हर हर महादेव। शिवपुराण के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 33 से लेकर अध्याय 38 तक। 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का यज्ञ की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के विकाल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक 9 दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाच, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार के सिंगे बजने लगी। महामुनि नारद, उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगीं। उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। 34वां अध्याय, यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरांगड़ी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गईं। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे। वहाँ यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहाँ एकत्र गीदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई थीं। वहाँ अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है।
तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है उनका भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहाँ यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहाँ उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उससे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्रीहरि विष्णु के शरण में गए। वे डरे हुए थे, भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। 35वां अध्याय, वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है प्रभु। आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपके शरण में आए हैं प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्रीहरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्रीहरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती हैं। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहाँ गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहा है। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे, उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थीं। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्रीहरि, आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनतीपूर्ण बातों को सुनकर श्रीहरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है।
इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष, केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिवजी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। 36वां अध्याय, श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे। परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है, वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 भी अध्ययन कर लें, तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाह कर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। तभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्रीहरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए।
हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हम सबको डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है, यह सिर्फ कर्म कांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है, उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंस कर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यह मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इससे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य करना है। तब श्रीहरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे, तब उन्होंने वहाँ संतर्धान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है, वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिव जी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्य लोक को चला आया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। 37वां अध्याय, दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। 38वां अध्याय, दधीचि छू विवाद। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्रीहरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर
मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा छू की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा छू के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीची का चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा शुभ जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे इस बात से पूर्णतः असहमत थे। शुभ सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेदमय माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज़्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शूक के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शूक के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर छू को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ, त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में सारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षी यमामृतात, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है, जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है उससे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारूप अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वे सभी कार्यों के सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घकाल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनके इस निःस्वार्थ भक्ति से
भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची ने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीची, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। यह सुनकर दधीची हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवाधिदेव करुणानिधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध न कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा कि मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन न हूं। शिवजी ने तथास्तु कहकर 3 वर दधीची को प्रदान कर दिए। 3 मनचाहे वरदान मिल जाने पर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा छू के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीची ने छू के सिर पर लात मारी। छू विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु छूप के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर छूप को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर छूप को दिव्य दृष्टि प्रदान की। छू ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात छू बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्रीहरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे कि शुभ, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं, तो दधीची को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीची के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्ति हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 39 से लेकर 42 तक। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।